please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जमाना था जब आप सड़क पे बैठ जाते थे, रजाई ओढ़ लेते थे, आंदोलन शुरू कर देते थे, प्रोटेस्ट शुरू कर देते थे, लेकिन अब अगर आप एसी रूम में भी बैठे हैं तब भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आपने नई चीज सिखाई है देश को। देखो, प्रोटेस्ट कहीं भी कर दिया जाना चाहिए, एसी आपको इन्फ्लुएंस ना करे। मतलब ये सत्ता के बाद का एसी है, मतलब सत्ता में आए तब एसी? नहीं, सत्ता में आने के बाद एसी आपको ये ना कहे यार अब तो एसी मिला हुआ है, आंदोलन मत करो। तो एसी को भी डर के रहना चाहिए, बोले मेरे होने से ये लोग डरते नहीं है। आप सड़क पे बैठो तो भी आप जनता की आवाज उठाओ, आप राजभवन में जाके बैठो तो भी जनता की आवाज उठाओ, भले ही वहां एसी लगा हुआ है। एसी और ये वाह माहौल आपको अगर भयाक्रांत करते यार यहाँ तो एसी लगा हुआ है, यहाँ कैसे अनशन कर सकता हूँ, हर जगह बात कर सकते हैं, जनता के मुद्दों की जहाँ बात होगी हर जगह बात कर सकते हैं। तो एलजी साहब को आप डराने गए थे? नहीं, एलजी साहब को मनाने गए थे, वो माने ही नहीं। हम बैठे हुए थे वहां, हमने कहा साहब आपके बाहर बैठ लेते हैं कमरे के बाहर, वो छोटा सा जितना बड़ा आपका ये स्टेज है इतना बड़ा कमरा था। लोग कह रहे थे कि ये कौन सी बात हुई आप किसी से मिलने जाएं उसी के ड्राइंग रूम में बैठ के जाके प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये कौन सी बात हुई कि चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर एलजी से मिलने जाए वो कहूं मैं आपकी सुनूंगा नहीं, और 9 दिन तक मिले ही ना, ये कौन सी बात हुई? आप एलजी हो यार, आप वायसराय नहीं हो, वायसराय खत्म हो गई, आपको मिलना चाहिए आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दो और मंत्री आपके इतने से वहां वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, सोफे पे रात को सो रहे हैं, तो आप मिल लो यार, क्या जा रहा है? नहीं मिले, 9 दिन तक नहीं मिले।